मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू PNMRC ई लर्निंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद एक्सरसाइज 2.7। एंड एक्सरसाइज 2.7 इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2, सेकेंड पार्ट इज 0.35 डिवाइडेड बाय 5। मतलब इन सारे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस को हमको होल नंबर से डिवाइड करना सीखना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व फर्स्ट पार्ट, दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करूँगी। जिस तरह से डेसिमल को लगाते हैं उसी तरह से रिमूव भी करते हैं। उसका तरीका क्या होता है, पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट होती हैं उतने ही नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। नीचे 10, 100, 1000 ऐसे आ जाता है। जैसे अब इसमें 0.4, पीछे कितने हैं, एक है, तो उसकी जगह ये 10 लगा दिया और हमारा 1, ये जो डेसिमल है वो रिमूव हो गया, डिवाइडेड बाय 2। ओके, इज इक्वल टू लगाया नहीं। अब अगेन 4/10 डिवाइडेड बाय 2/1, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, अगेन 4/10। अब मैंने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज 1/2। अगेन 2 1 2 2 2 4, तो हमारा क्या आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 2/10। फिर मैंने क्या कहा, जैसे मैंने डेसिमल लगाया मतलब हटाया था उस तरह से लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, एक जीरो, तो डेसिमल क्या करेगा, यहाँ पर एक नंबर एक डिजिट पे मूव कर जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट है हमारा 0.35 डिवाइडेड बाय 5। ओके, बहुत ईजी है। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.35/ किससे है, 1 0 0। डेसिमल बाद कितने डिजिट है, 1 2, उतने ही जीरो लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये डेसिमल हमारा रिमूव हो गया, डिवाइडेड बाय 5/1। ठीक है, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 35/100 मल्टीप्लाई 1/5। अगेन 5 1 5 एंड 5 5 5 7 35, तो हमारा आंसर आ गया 7/100। ठीक है, अब अगेन कितने जीरो है, 1 2, टू डिजिट के बाद में यहाँ पर क्या होगा, आपका जो डेसिमल है वो यहाँ पर लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.07। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट। सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 2.7 पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, 2.48 डेसिमल को रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 जीरोज लगाया, डेसिमल हमारा रिमूव हो गया, डिवाइडेड बाय 4/1। तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 2.48/100 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, अगर 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4, हमारा आ गया आंसर 62/100। अब डेसिमल लगाने के लिए क्या होगा, जितने जीरो होंगे उतना टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, वो उतनी डिजिट टूवर्ड द लेफ्ट साइड मूव करेगा, 1 2, तो 1 ये लेफ्ट साइड है ना हमारी, ये वाली लेफ्ट साइड है ना हमारी, तो उतना लेफ्ट साइड में मूव करेगा, 1 2, हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.62। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है 65.4 डिवाइडेड बाय 6। अगेन हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा, 65.4/10, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 1, डिवाइडेड बाय 6/1। ठीक है, अब ये डेसिमल तो हमारा रिमूव हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 6 5 6 5 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1/6।
ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 654/10 मल्टीप्लाई बाय 1/6 2 3 6 अगेन 2 3 6 2 2 4 2 7 14 अब 3 1 3 अगेन 3 1 3 3 0 0 3 9 27 कटिंग हो गई हमारी, तो हमको क्या आया यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 109/10 यह आया हमारा। 10 में कितने जीरो हैं? 10 तो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड वन डिजिट टूवर्ड द लेफ्ट साइड जो डेसिमल है वो मूव करेगा तो ये यहाँ पर आएगा वन डिजिट ओनली वन तो यहाँ पर आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 10.9 ये हमारा आंसर होगा। नाउ लेट्स सॉल्व फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट है 651.2 डिवाइडेड बाय 4। पहले सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हम 651.2/10 10 क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है डिवाइडेड बाय 4/1 फिर अगेन दैट इज इक्वल टू 6512/10 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ठीक है। अब मैं कटिंग करती हूँ 2 2 4 2 3 6 अग 2 2 4 2 5 10 एंड 2 6 12 अगेन 2 1 2 ये भी कटिंग होगा 2 1 2 2 6 12 एंड 2 2 4 2 8 16 तो हमारा आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू यह हमारा आंसर है दैट इज इक्वल टू 1628 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 में कितने जीरो हैं? ओनली 10 तो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड एक डिजिट वो मूव करेगा डेसिमल तो वो यहाँ पर आएगा एक डिजिट तो दैट इज इक्वल टू 162.8 दिस इज आवर आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला 14.49 डिवाइडेड बाय 7 तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस डेसिमल को रिमूव करना है तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया 0.49/100 क्यों 100 लिखा क्योंकि डेसिमल के बाद में दो डिजिट है डिवाइडेड बाय 7/1 ठीक है। अब दैट इज़ इक्वल टू हमारा आया सबसे पहले हमें डेसिमल को रिमूव तो हमने एक कर दिया ये डेसिमल रिमूव हो गया हमारा तो अब हम लिखेंगे 1449/100 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइड को मैंने किस में चेंज कर दिया मल्टीप्लाई और इस वाले का रेसिप्रोकल हो गया 1/7। अब कटिंग करती हूँ 7 1 7 7 2 14 0 7 7 49 ठीक। अब हमारा ये आ गया 207/100 अब 100 में कितने जीरो हैं 1 2 2 0 है ना तो टूवर्ड्स लेफ्ट टू डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट वो मूव करेगा 1 एंड 2 यहाँ आएगा तो हमारा आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 2.07 दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर ना पार्ट 7 एंड 8 इज योर होमवर्क ओके। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या है आपको फर्स्ट पार्ट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 10 अगेन 52.5 डिवाइडेड बाय 10 मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जितने भी आपको डेसिमल फ्रैक्शन दे रखे हैं उनको आपको 10 से डिवाइड करना सीखना है। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट दैट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 10 बहुत ईजी है। क्या करना है आपको पहले 4.8/10 लगाया 10 तो क्या हुआ ये मेरा डेसिमल रिमूव हो गया डिवाइडेड बाय अगेन 10 ठीक है। अब मैंने इज इक्वल टू लगाया पहले अब ये हो गया मेरा 48/10 1/10 ठीक 1/10 हो गया कि नहीं क्योंकि मैंने क्या किया डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया उसका रेसिप्रोकल हो गया तो अब मेरा आंसर आया दैट इज इक्वल टू
48 अपॉन 10 इंटू 10 दैट इज 100. 100 आया, अब कितने जीरो है, 1, 2. अब बस मैं यहाँ पर 1, 2 टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में, इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो 2 डिजिट टूवर्ड द लेफ्ट मूव करेगा, तो 1, 2 बस यहाँ बस आ जाएगा हमारा डेसिमल, 0.48. दिस इज आवर आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 52.5 डिवाइडेड बाय 10. अब मैंने क्या किया, 52.5 अपॉन क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, 10 कर दिया, तो मेरा ये हो गया डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है. अब इज इक्वल टू 525 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 10 आया मेरा, तो ये आ गया मेरा, अगेन ये मेरा आंसर आ गया 525 अपॉन 10 टेन्स 100. कितना आ गया, 100. अब मैंने क्या, कितने जीरो हैं, 1, 2, तो टूवर्ड्स लेफ्ट 2 डिजिट मूव करेगा, तो ये यहाँ 1, 2 यहाँ आ जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 5.25. दिस इज माई आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है, 0.7 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.7 अपॉन, मैंने 10 लगाया और मेरा ये जो डेसिमल है वो रिमूव हो गया, अब डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1, ठीक, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 हो गया, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 हो गया, तो अब ये हो गया 7 अपॉन 100. 10 टेन्स 100, अगेन 1, 2, तो 2 जे टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, दैट इज इक्वल टू कैसे आएगा, 0.07. दिस इज माय आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व फोर्थ पार्ट. अब फोर्थ पार्ट है हमारा 33.1 डिवाइडेड बाय 10. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को रिमूव करना होगा, तो हुआ 33.1 अपॉन 10 और ये मेरा डेसिमल रिमूव हो गया, डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 331 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10, फिर अगेन 331, 10 टेन्स 100. अब कितने जीरो हैं, 1, 2, बस टूवर्ड्स लेफ्ट 2 डिजिट मूव कर जाएगा आपका डेसिमल, तो यहाँ आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 3.31. दिस इज आवर आंसर. नाउ स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको 4 तक करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, तो दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर. सो पार्ट 5, 6 एंड 7 इज योर होमवर्क. That you have to do it yourself. So this is the end of the video. Question number 1 and question number 2 of exercise 2.7. We will solve next question in our next video.